नेटवर्क ड्रॉप कर गया सर, तो फोन आ गया था सर बीच में सर ये फोन परेशान कर दिया था सर, उस चक्कर में हो गया सर, सॉरी सर। अच्छा बताइए फिर से क्या सुना रहे थे आप? जी सर मैं ये बोलना चाहूंगा साथी कार्यकर्ताओं के लिए कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, करने वालों को कुछ मिलता नहीं साथी, जो लड़ने वालों के कंधों में सारा जहान होता है। यस सही बात है, बहुत अच्छी बात है। सर मैं आपके सामने खड़े होकर के किसी भी प्रकार का सवाल नहीं करना चाहूंगा, उसका मुख्य कारण तो यह है सर कि मेरे सभी साथी कार्यकर्ताओं ने वो सारी बातें रख दी है जो मैं रखना चाहता था, और आपकी आपकी बातों से भी मैं आश्वस्त हो चुका हूँ सर, और मुझे अब मेरे पास कोई सवाल नहीं बचा है करने के लिए सर। मेरा पूरा आशा नहीं पूरा विश्वास है सर मुझे कि आने वाले दिनों में हम सभी मिलकर के एक अच्छे परिवार का गठन करेंगे सर, और सभी मतलब अपने जीवन स्तर को संस्था में रहकर के सुधार लेंगे सर। जी सर बस एक निवेदन करना चाहूंगा सर, वर्तमान समय में जो हम लोगों के ऊपर जो समय की मार पड़ी है, जी सर वर्तमान समय में जो समय की मार हम सब पर पड़ी है सर, उसके लिए थोड़ा सा नजर अपने नियमों में मुख्यालय से थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए सर। जैसे सर डेथ मैच्योरिटी क्लेम जो समय से मुख्यालय नहीं पहुंच पाया अभी कोरोना महामारी के चलते, अभी मेरे 10-12 को साथी कार्यकर्ताओं की डेथ हो गई है, तो साथी कार्यकर्ता सॉरी सर मतलब डिपॉजिटर मेरे सम्मानित जमाकर्ताओं की डेथ हो गई है, तो उनका मैंने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई डाटा कलेक्ट नहीं कर पाया हूँ सर, तो उस समय से तो मुख्यालय तक नहीं पहुंचा पाऊंगा सर मैं, और ऐसा ही सभी साथी कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा होगा सर। उसका रास्ता निकालो भाई, हम लोग इकट्ठा करो। जी सर हो सके। जी सर हम लोग बिल्कुल प्रतिबद्ध सर, हम लोगों के यहाँ पर जैसे अभी मैं इनकी बातों से थोड़ा सहमत था, क्या नाम विशाल मणि दुबे, इन्होंने जो आरोप लगाया था ना सर, हिंदुस्तान स्तर पर ऐसा हो रहा होगा, हो सकता है बिल्कुल ऐसा हो भी रहा होगा, लेकिन मेरे यहाँ सर बालाघाट रीजन की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके द्वारा मुझे मतलब हम सभी को फील्ड से काम करने वाले रीजनल मैनेजर मिस्टर धनेंद्र पटले जी का सानिध्य हम लोगों को मिला, फील्ड से काम करने वाले मिस्टर के गढ़पांडे सर जो हमारे आज वर्तमान में सेक्टर मैनेजर महोदय है, हमारे वरिष्ठ पीपी होरीकर सर, इन लोगों का भी मैं आपको बता दूं, इन लोगों का इतना अच्छा सहयोग मिला है सर इन तीनों वरिष्ठों का हम लोगों को, और सारे के सारे वरिष्ठ इस समय बालाघाट रीजन में फील्ड से ही चयनित किए गए हैं सर, हर मतलब प्रशासनिक केडर पर जो संस्था से होता है, तो आज इन लोगों के संरक्षण में रहकर हम बालाघाट रीजन वाले पेमेंट को लेकर के सर परेशान नहीं है ऐसा तो नहीं बोलूंगा सर मैं, परेशान तो है, परेशानी पूरे हिंदुस्तान में हमारे सामने भी है, लेकिन हमने कुछ व्यवस्थाएं सर लोगों के आदेश अनुसार जो व्यवस्थाएं हम लोगों को मिली है उन्हीं व्यवस्थाओं पर हम सर काम करते हैं, और रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा है सर कि आज हमारे पास सर कोई पेंडिंग बहुत बड़ी पेंडिंग नहीं बची है सर, जैसे थोड़ा सा अभी वॉलेट का यदि थोड़ी सी वॉलेट में यदि हमको राहत मिल जाए जैसे 89% मिला हुआ है तो हम इसमें कर लेते हैं सर, बहुत अच्छा कर ले रहे हैं, सबसे पहले डेली को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, बाद में हम मंथली के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और उसके बाद मतलब एफडी को करते हैं सर, वैसे भी एफडी 60-70% तो हम लोग री इन्वेस्ट कर देते हैं। गुड, अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बात है, अपने वरिष्ठों को भी जो मैनेजर प्रबंधक कल आपको साथ दे रहे हैं उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद कहिएगा, अच्छा कर रहे हैं, आशीर्वाद कहिएगा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ सर, उस समय भी आपका चरण स्पर्श करने मिला था मुझे, मोदी सर का भी चरण स्पर्श किया था मैंने, और आज सर मेरे को पता नहीं बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आज मैं अपने पालक पिता के साथ बैठ करके आमने सामने बैठ करके वर्चुअल मीटिंग में बैठ करके बात कर रहा हूँ, बहुत खुश हो रहा हूँ सर, मेरे हाथ कांप रहे सर मैं क्या बताऊँ सर, बहुत अभी भी खुशी है। आप बहुत अच्छे इंसान हो सर, इमोशनल इंसान हो। हाँ सर जी बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके,
बहुत बहुत धन्यवाद सर, सर अपना सर। श्री चंदन कुमार जी, तनाज जी माइक नोट कर दें। चंदन कुमार जी नवासी परसेंट मांगे थे, कहाँ आए नवासी परसेंट मिले थे कहाँ? हेलो हेलो चंदन कुमार जी बोलिए। जी सर, सारा था प्रणाम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है।